रुक करते कुछ और खबरों का। बहराइच की बात करेंगे, जहां बीते कुछ दिनों से आदमखोर भेड़िये का एक झुंड इंसानी जान का दुश्मन बन गया है। 10 मार्च 2024 से अब तक भेड़ियों ने बच्चों सहित 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। बहराइच के करीब 32 गांव में इन आदमखोर भेड़ियों की दहशत है। भेड़ियों का आतंक इस बात से समझिए कि रात के अंधेरे में ये भेड़िये बच्चों को घरों से उठाकर ले जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के साथ साथ जिला प्रशासन, वन विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी और भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश में लगे हैं। ड्रोन से भेड़ियों की निगरानी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। दिखाते एक रिपोर्ट। भेड़िया लग जाएगा 10-12 लोग हैं, ये सारे अपने बहरे जिले भरे में फैले हुए हैं। 3 बच्चन के बिच्चन से उनका उठा लेगा। करीब 80 किलोग्राम वजनी, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, नुकीले दांत और नाखून। बहराइच में करीब 1 दर्जन खूंखार भेड़िये इसी तरह मौत बनकर गन्ने के खेतों में दौड़ रहे हैं। बहराइच में पूरा प्रशासनिक अमला भेड़ियों को पकड़ने के लिए मुस्तैद है, लेकिन इंसानी खून के प्यासे ये आदमखोर भेड़िये अब भी पहुंच के बाहर है। बहराइच के करीब 32 गांवों में 2400 घंटे इन भेड़ियों का आतंक है। 70,000 से अधिक लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। भेड़िये खासतौर पर बच्चों को निशाना बना रहे हैं, रात के अंधेरे में हमला कर रहे हैं। कमरे में सोत रहा और कमरे में से उठा लेके तकर बाहर भाग गया। सब कोई दौड़न ना पकड़ मिला। देखा आपने, आपने भेड़िया? हाँ, अब देख ना मिला कि कई हिया से ना ये पिला देख में, जब इधर से लेके गवा हुआ कूदा इधर से हुआ तब देखागा सुनागा। आदमखोर के झुंड को रोकने की सारी स्ट्रेटेजी अब तक बेकार है। भेड़िये वन विभाग के जाल से दूर, लोग लाठियों से अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। आधुनिक हथियार भी भेड़ियों को रोक नहीं पा रहे। भेड़िये नजर तो आते हैं, लेकिन केवल ड्रोन कैमरे में। और फिर आती है खबर एक और बच्चे के शिकार की। ऐसा ही कुछ एक बार फिर हुआ। भेड़िये ने बहराइच में अपना 9वां शिकार किया। मंगलवार को भेड़ियों ने एक और बच्चे को अपना निवाला बना लिया। 4 बजे उसकी माँ की नींद खुलती है तो देखती है कि मेरा बेटा नहीं है मेरे साथ। शोर मचाती है। शोर मचाने पर गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, उसको खोजते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों से साफ है कि भेड़िया इन्हीं गन्ने के खेतों में छिपा है और रात के अंधेरे का इंतजार कर रहा है, ताकि एक बार फिर किसी मासूम को अपना शिकार बना सके। वन विभाग की टीम को लगातार भेड़ियों की लोकेशन मिल रही है, लेकिन जब तक टीमें वहां पहुंचती हैं, झुंड में शिकार पर निकले भेड़िये किसी दूसरी जगह जाकर छिप जाते हैं। एक तरफ पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम अपने काम में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों ने खुद ही अपनी सुरक्षा का जिम्मा उठा लिया। लोग भाला और डंडे लेकर पहरा दे रहे हैं। जंगल विभाग वाले पुलिस हैं, जितना विधायक भी है वो साथ में भी रात में टहलते हैं। सारे लोग यहाँ टहलते हैं। कुल कितने भेड़िये हैं? भेड़िया लग जाएगा 10-12 लोग हैं, ये सारे अपने बहरे जिले भरे में फैले हुए हैं। इसके बाद हम बहराइच के उस मकान में पहुंचे, जहां से कुछ दिनों पहले भेड़ियों का झुंड एक बच्चे को उठाकर ले गया था। बहराइच में ऐसे करीब 9 घर हैं, जिनको भेड़ियों ने कभी ना भरने वाला जख्म दे दिया है। इधर पर उनके पापा रहे और इधर बच्चे रहे और हम रहने, तो 3 बच्चन के बिच्चन से उनका उठा लेगा। जो बच्चा इस आदमखोर का शिकार हुआ है, उसकी माँ यहाँ पर मौजूद थे, वो अपनी आपबीती बता रही थी। पूरे गांव में दहशत है।